हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स। तो देखिए, आज आपका एग्जाम हुआ था 2 फरवरी 2020 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ग्रुप डी नैनीताल के अंतर्गत, यानी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आई थी UBTR के थ्रू, उसका एग्जाम पेपर हुआ आज आपका। और सभी डिस्ट्रिक्ट का एक ही कॉमन पेपर था, जो कि था 100 मार्क्स का। तो इसी पेपर के सॉल्यूशन के साथ मैं आया हूँ इस वीडियो को लेके। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है तो आप लोग अपने आंसर की मैच कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी 100 क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि पेपर कैसा आया था। तो पेपर की सबसे पहले बात करें तो पेपर दोस्तों इजी टू मॉडरेट था। यहां पर भी जो मेरिट के चांसेज हैं वह 80+ या 85+ ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वह उतना हाई नहीं था, ना ही उतना इजी था। मतलब ठीक ठाक था, थोड़ा इजी वाले कैटेगरी में आप इसे रखेंगे। तो पहला आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 27 तथा 36 से अलग अलग भाग दिया जाता है तो क्रमशः 5, 14 और 23 शेष बचता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है सेट सी। ठीक है, आप लोगों के अलग अलग सेट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग आंसर के हिसाब से मैच कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, 18, 26, 27 और 36 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और इस एलसीएम में से आपको लास्ट में माइनस करना रहेगा दोस्तों क्या, 13। क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए, तो जब 18, 27 तथा 36 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका ये एलसीएम आएगा टोटल 108। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए 18 में से आप 5 घटाएंगे कितना आएगा, 13 आएगा। 27 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 13 आएगा। और 36 में से 23 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 13 आएगा। तो ये क्या है, कॉमन सा टर्म है 13। तो 108 में से आप 13 माइनस कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या, 95। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है कि वशिष्ठ गुफा उत्तराखंड में कहां पर स्थित है। तो उत्तराखंड में टिहरी में स्थित दोस्तों क्या वशिष्ठ गुफा, तो ऑप्शन नंबर ए दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, यानी कि देवधर ट्रॉफी किस खेल के लिए दी जाती है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है क्या दोस्तों, देवधर ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर डी तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा हमारा प्रश्न है कि किस देश को यूरोप के खेलों का मैदान कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को दोस्तों यूरोप के खेलों का मैदान कहा जाता है। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में प्रीवियसली भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पांचवा प्रश्न है किसी षटभुज या हेक्सागोन के बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, तो किसी षटभुजाकार या षटभुज या हेक्सागोन के बाह्य कोणों का योग होता है कितना, 360 डिग्री। जबकि इसके आंतरिक कोणों का योग अगर पूछता, अंतः कोणों का योग पूछता, तो वो होता है 720, जबकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि दो आवेशित पिंड के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत स्थैतिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, जब आपने कूलाम का लॉ पढ़ा होगा उस टाइम पे आप पढ़ते होंगे इस लॉ के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अगला सातवां प्रश्न है कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है, तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सातवें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आठवां प्रश्न है कि लड़ीधुरा मेला उत्तराखंड में कहां पर लगता है, तो चंपावत के बाराकोट वाले एरिया में दोस्तों लड़ीधुरा मेला आयोजित होता है, तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नवा हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी महिला गढ़वाली गायिका है। ठीक है, तो इसके आंसर होंगे दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि कल्पना चौहान, मीना राणा और अनुराधा निराला सभी क्या हैं, गढ़वाली गायिकाएं हैं। दसवां प्रश्न कि एक विद्युत लैंप या बल्ब किस प्रभाव के कारण जलता है, तो हीटिंग इफेक्ट या फिर ऊष्मीय प्रभाव के कारण जलता है एक वैद्युत बल्ब, किस प्रभाव के कारण, हीटिंग इफेक्ट के कारण। ग्यारहवां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे कौन सा आभूषण है जो गले में पहना जाता है। ठीक है, तो हंसुली जो आभूषण है दोस्तों वह गले में पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पे, गले में, कौन सा, हंसुली। अगला बारहवां प्रश्न है दोस्तों, 18,225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ये तो आप कर सकते हैं आसानी से, 135 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तेरहवां प्रश्न है कि श्रीलंका का पूरा नाम क्या है, ठीक है, या क्या था, तो सिलोन था दोस्तों, सिलोन या सिलोंग कहा जाता था क्या श्रीलंका को, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चौदहवां प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर स्थित है, तो वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंद्रहवां प्रश्न कि निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म है, ठीक है, तो गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म है कौन सी दोस्तों, जगवाल। ठीक है, अगला सोलहवां प्रश्न है, निम्न में से किसका प्राथमिक लक्ष्य बाल कल्याण है, ठीक है, तो यूनेस्को का जो प्राथमिक लक्ष्य दोस्तों वह बाल कल्याण माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 17वां हमारा प्रश्न है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष, और यह प्रश्न काफी बार पहले भी पूछे जा चुके हैं। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी रूपिन सुपिन ग्लेशियर से निकलती है, तो रूपिन सुपिन हिमनद से निकलती है दोस्तों, कौन सी नदी, टॉस नदी।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न काफी बेसिक सा है कि हवाई जहाज की आकृति किसके समान होती है, तो एक चिड़िया के समान होती है हवाई जहाज की आकृति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि किस ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन उत्पन्न होता है, तो थायरॉइड ग्रंथि यानी कि थायरॉइड ग्लैंड जो होती है उससे थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है। 21वां और काफी इसी क्वेश्चन है, सीएफसी का तात्पर्य क्या है दोस्तों, सीएफसी होती है हमारी क्या, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। 22वां प्रश्न है वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों कूलम, कूलम वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। 23वां प्रश्न है दोस्तों एक पुरुष और उसके पुत्र की आयु का योग 88 वर्ष है, इसके आयु का अनुपात 31:13 है, तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सपोज दैट आपने पिता की आयु मानी क्या दोस्तों, मतलब पुरुष की आयु मानी एक्स, ठीक है, तो उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 88 - x, क्योंकि योग दे रखा है कितना 88। अब इनका अनुपात कितना दिया गया है, 31:13, ठीक है। तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पुत्र की आयु, मतलब यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू आएगी, यानी कि किसकी आयु निकलेगी, आपकी पिता की आयु जो निकलेगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, पिता की आयु आपकी यहाँ से निकलती है अप्रोक्सीमेट 62, ठीक है, और दोनों के आयु का योग कितना है 88 है, तो 88 में से आप जब 62 माइनस करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा क्या 26 ईयर, और 26 ईयर किसकी आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो 26 साल आ जाएगी आपके पुत्र की आयु। 24वां प्रश्न है कि मिस कैथरीन हैलीमैन को किस नाम से जाना जाता है, तो सरला बहन का उपनाम है क्या, मिस कैथरीन हैलीमैन। अगला काफी इजी क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में 13 जनपद हैं। 26वां प्रश्न है कि रीमा ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा, उसने इसे 16,800 में बेच दिया तथा उसे 800 रुपये का फायदा हुआ, तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न में सपोज जब आपने अंकित मूल्य माना कितना दोस्तों एक्स, ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसे 20% छूट पर बेचा, तो 20% छूट देखेंगे तो एक्स इंटू 80/100, ठीक है, एक्स इंटू 80/100 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 800 रुपये का उसे लाभ हुआ, और बेचा कितने पे था उसने, बेचा था उसने 16,800 पे। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20,000, ठीक है। तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, यह होगा दोस्तों एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंगली इस टाइप का त्रिभुज बनेगा। सपोज आपका आधार 3 है और लंब 4 है, तो आपका ये कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। 28वां प्रश्न है कि वैद्युत लेपन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हमारी होती है वह वैद्युत के किस प्रभाव पर आधारित होती है, तो केमिकल या रासायनिक इफेक्ट पर आधारित होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो वैद्युत लेपन यानी कि रासायनिक विधि से आप किसी चीज़ के ऊपर लेप चला रहे हैं, जैसे आप गैल्वनाइजेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइजेशन पढ़ते हैं, वही सब चीज़ें वैद्युत लेपन के अंतर्गत आती हैं। 29वां प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 30वां प्रश्न दोस्तों मलाला यूसुफजई किस देश से संबंधित हैं, तो मलाला यूसुफजई का संबंध दोस्तों पाकिस्तान से, अभी इन्हें हाल ही में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला 31वां प्रश्न है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों, कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 32वां प्रश्न दोस्तों कि पुआल या फिर भूसे से अनाज के दानों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो इसे आई थिंक दोस्तों थ्रेसिंग कहा जाता है, ठीक है, एक बार इसे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, थ्रेसिंग कहा जाता है। अगला 33वां प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 5:16 है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आयत की लंबाई सपोज आपने मान ली क्या एक्स, तो लंबाई का अनुपात बट्टा उसके परिमाप का अनुपात, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई आपने एक्स मानी, चौड़ाई मान लीजिए वाई, तो यहां पे आप करेंगे 2 × x + y, तो आपको इसका अनुपात कितना दे रखा है 5:16 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका लंबाई तथा परिमाप का अनुपात क्या निकल जाएगा दोस्तों, तो यहां से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका इसका लंबाई और परिमाप का अनुपात अप्रोक्सीमेट शायद 5:3 निकला, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 5:3 निकलेगा, ठीक है, ऑप्शन ए निकलेगा इसका अनुपात, ठीक है, आसानी से हो जाएगा सॉल्व आउट, आपको कैलकुलेशन करनी है ओनली। अगला 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। 35वां प्रश्न है कल्पनाथ बुग्याल उत्तराखंड में कहां पर स्थित है, तो चमोली में स्थित है दोस्तों क्या, कल्पनाथ बुग्याल। अगला 36वां प्रश्न है कि चरक
जो कि किसके दरबारी वैद्य थे या किसके चिकित्सक थे, तो कनिष्क के चिकित्सक थे, ठीक है, कनिष्क प्रथम के चिकित्सक, जो कि कुषाण वंश के प्रथम, कनिष्क प्रथम के नाम से जाने जाते हैं, उनके दरबारी चिकित्सक थे कौन, चरक, ठीक है, चरक संहिता के बारे में अभी आप लोग ने सुना होगा। अगला 37वां प्रश्न है कि एक धन का 4 वर्ष में साधारण ब्याज उस धन का 1/10 हो जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर होगी दोस्तों इसमें क्या, 2.5%, ठीक है। आप इसे किसी भी प्रकार से, आप इसे ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, 2.5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है, तो परसेंटेज को निकालेंगे आप तो 5/200 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/40, ठीक है। तो सपोज दैट आपने मान लिया क्या, मूलधन मान लीजिए आप 16,000, ठीक है, तो 16,000 उसमें 4 वर्ष का साधारण ब्याज आप ऐड करेंगे, तो 16,000 into 1/40 into 1/40, 4 बार आप 1/40 1/40 1/40 into 1/40 करेंगे, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या, 1/10, ठीक है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले वाले बेसिस से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि फल जमीन पर किसके कारण गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण दोस्तों, कोई भी वस्तु अगर आप आकाश में फेंकते हैं तो वो नीचे लौट के आ जाती है, ठीक है, तो ये कौन सा इफेक्ट होता है, गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट होता है। अगला 39वां प्रश्न है कि निम्न में से किसके विकास की अवस्था टैडपोल है, टैडपोल यानी कि दोस्तों अंडे से जन्मा हुआ, अगर आपने कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज किया होगा तो आसानी से हो जाता है, देखिए बिल्ली बिल्ली होती है, कुत्ता कुत्ता होता है, मानव मतलब अंडे के रूप में नहीं होते हैं, ठीक है, जीव के रूप में ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मेढक क्या होते हैं, मेढक के अंडे होते हैं और मेढक के उसके बाद अंडे से मेढक बाहर निकलता है। 40वां प्रश्न है हमारा, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक जी का स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित रेशे का उदाहरण है, तो नाइलॉन दोस्तों एक संश्लेषित रेशे का उदाहरण है। अगला 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना शेयर बाजार है, तो भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है दोस्तों क्या, बॉम्बे या फिर मुंबई शेयर बाजार, भारत का ही नहीं दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार के रूप में बॉम्बे शेयर बाजार को जाना जाता है। अगला 43वां प्रश्न कॉमन सा है कि कौन सा गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, तो कोट द्वार जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है उसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। 44वां प्रश्न, निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है स्कंद पुराण में, तो स्कंद पुराण में दोस्तों 5 स्थानों का उल्लेख किया गया जिसमें से केदारखंड, मानसखंड और नेपाल तीनों ऑप्शन में दिए गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्कंद पुराण में केदारखंड, मानसखंड और नेपाल तीनों का प्रयोग किया गया है। 45वां प्रश्न कि निम्न में से किसे वॉइस बॉक्स के नाम से पुकारा जाता है, देखिए दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, वॉइस कहाँ से निकलती है, गले से निकलती है या फिर जो हमारे लिरिक्स होता है या कंठ होता है वहां से निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46वां प्रश्न, महासु जिसे भगवान शिव के समान माना जाता है किस जनजाति के देवता है, ठीक है, तो महासु दोस्तों जौनसारी जनजाति के देवता के रूप में माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न, जब एक कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है कांच की छड़ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 48वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक धनराशि ₹1,42,136 को 163 व्यक्तियों के बीच बराबर बांटा जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी, तो बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको 163 से आपको भाग दे देना है 1,42,136 को, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 872, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 49वां प्रश्न है कि सविता ने 8 किलो अंगूर छिहत्तर प्रति किलो की दर से, 8 किलो अंगूर 76 की दर से खरीदे तथा 9 किलो आम 58 की दर से खरीदे, तो 9 × 58, ठीक है, तो पूछा गया कि सविता ने दुकानदार को कितनी धनराशि दी, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 76, क्योंकि 8 किलो अंगूर 76 की दर से खरीदे और 9 किलो जो आपने आम खरीदे 58 की दर से खरीदे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, 1130, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित है, तो तारा रावत दोस्तों क्या है, क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है कौन, तारा रावत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड में गिरदा के नाम से जाना जाता है, तो गिरीश तिवारी जी को उत्तराखंड में गिरदा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 52वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी एक भाषा जनजाति भाषा नहीं है, ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर अस्कोटी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए जौनसारी जौनसारियों की भाषा है, मारछा भी जौनसारियों की भाषा का एक टाइप होता है, लेकिन अस्कोटी जो है पिथौरागढ़ के आसपास नेपाल वाले एरिया में बोली जाती है, इस कारण शायद ये जनजाति भाषा नहीं है, ठीक है, या तो इसका आंसर सी होगा या डी होगा, ठीक है, वैसे ज़्यादातर चांसेस सी आंसर होने के हैं कि ये जनजाति भाषा अस्कोटी नहीं है, ठीक है, वरना इसका आंसर डी भी हो सकता है। 53वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास दोस्तों वर्तमान समय पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भारत के गवर्नर है, ठीक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर है। अगला 54वां प्रश्न है दोस्तों कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है तथा शेष अन्य 2 संख्याओं के बीच अंतर 25 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा, तो सपोज दैट औसत पूछा गया है दोस्तों, औसत कितना दिया गया 3 संख्याओं का, तो सबसे बड़ी संख्या दी गई है आपको कितनी, 180, तो 180 प्लस अन्य 2 संख्याओं का बीच का अंतर कितना है, 25 है, तो दूसरी संख्या आपने मान ली कितनी, x, और तीसरी संख्या आपने मान ली क्या, x+25, क्योंकि अंतर क्या है, 25 का है, ठीक है, तो 180 प्लस x प्लस x प्लस 25
अपॉन 3, क्योंकि औसत निकालना है, तीन संख्याओं का औसत है, इज इक्वल टू आप यहाँ पे रख देंगे क्या 135, ठीक है। तब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या 100। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 100 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने सबसे छोटी संख्या मान रखी है, कितनी एक्स मान रखी है, और जो दूसरी संख्या है जिनके बीच में 25 का अंतर है वो हो जाएगी हमारी एक्स प्लस 25। तो सबसे छोटी संख्या पूछा गया इसलिए 25 होगी, अगर दूसरी छोटी संख्या पूछा जाता तो होती 125, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है कि ए की आई बी की आई से 150% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितना कम होगी। तो 150% अधिक है दोस्तों, तो बाई चांस हमने मानी 100% आई है, तो 150% अधिक है तो कितनी हो जाएगी 250/100, ठीक है, 25/10 हो जाएगी, यानी कि कितने का गैप आ जाएगा 10 का। तो पहले ये पूछ रहा है कि 150% तो अधिक थी, अभी पूछ रहा है कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है दोस्तों 10 कम है, और किसकी आई से पूछा गया ए की आई से, तो 10/25 × 100 अगर आप करेंगे तो 25 × 100 आ जाएगा, ठीक है, और 15 × 60 आ जाएगा, ठीक है, ये 15% है ना, ठीक है, तो 15 यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है, तो 15/25 × 100 करेंगे तो 25 × 100 और 15 × 60, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी की आई ए की आई से 60% कम होगी। 56वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी जी थे उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। 57वां प्रश्न है कि भारत और चीन के मध्य की सीमांकन रेखा क्या कहलाती है, तो मैकमोहन रेखा दोस्तों, मैकमोहन लाइन कहलाती है, इंडिया और चाइना के बीच के डेमोक्रेटिक लाइन को, ठीक है। अगला 58वां प्रश्न है दोस्तों, इजी सा प्रश्न है कि 4913 का घनमूल ज्ञात करिए, तो 17 का घनमूल होता है क्या 4913, मतलब 4913 का घनमूल होता है 17, और 17 का घन होता है क्या 4913, तो 17 × 17 × 17 करेंगे आंसर आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 59वां कि x-4/5 = x+2/7, इसको सॉल्व आउट करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स का मान क्या 19, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 7x-28 = 5x+10, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x = 38 और x = 19, ठीक है, ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 60वां प्रश्न, उत्तराखंड में झिलमिल ताल कहां पर है, तो चंपावत में स्थित है झिलमिल ताल। 61वां प्रश्न कि उत्तराखंड भारत के कौन से नंबर का राज्य है, दोस्तों तो उत्तराखंड भारत का 27वें नंबर का राज्य था, जो कि 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। 62वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई जी थे दोस्तों, क्या जस्टिस अशोक ए देसाई जी थे उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुजरात में सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, तो महमूद गजनवी, ठीक है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, महमूद गजनवी ने नष्ट किया था, ठीक है। अगला 64वां प्रश्न है कि एक बाग में एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या इस बाग में लगे पेड़ों की संपूर्ण पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ठीक है, यह बाग की संपूर्ण पेड़ों की संख्या कितनी है 11025 है, तो बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन फैक्ट, देखिए क्या लिखा गया कि पेड़ों की संख्या इस बाग के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, सपोज दैट पेड़ों की संख्या एक्स है, तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया है 11025 दिया है, ठीक है, तो x की वैल्यू आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 105, ठीक है, 105 आ जाएगी x की वैल्यू, क्योंकि आपको 11025 का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अगला 65वां प्रश्न है कि एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई का अनुपात 2:3 है और इसकी त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्यों होगा दोस्तों, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, अपॉन शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, ठीक है, तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, अब यहाँ पर आप ऊपर वाले में आर का मान रखेंगे तो बेलन का आर कितना दिया गया, जो त्रिज्या दी गई है कितनी दी गई है 3 दी गई है, ठीक, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इंटू ऊंचाई कितनी दी गई है बेलन की 2 दी गई है, तो 9 × 2 अपॉन में क्या करना है आपको, जो शंकु की आपकी त्रिज्या कितनी दी गई है, तो शंकु की त्रिज्या दी गई है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 × 3 = 3/3, तो जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 9:8, ऑप्शन नंबर ए। अगला 66वां प्रश्न है, निम्न में से बैंगलोर का उपनाम क्या क्या है, तो सिलिकन वैली ऑफ इंडिया बिल्कुल बैंगलोर का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया ये भी है, और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बैंगलोर का ही उपनाम है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है, काफी ये दोस्तों, यदि 16 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तो 10 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, देखिए 16 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 16 × 10 = 160, तो पूछा गया आप 10 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे 160/10 = 16, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न, मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षक के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, तो उल्कापिंड दोस्तों, सभी लोगों ने पढ़ा होगा आपका क्या मेटोराइड
के बारे में, तो उसी को उल्का कहा जाता है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो भी रिक्त स्थान होता है, जिसमें जो भी पिंड घूमते हैं, उसे उल्का स्थान कहा जाता है। ठीक है, अगला 69वां प्रश्न है कि पृथ्वी का वह भाग जो जैव विविधता को सहारा देता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर बी हो सकता है। ठीक है, मैं क्लियर आउट नहीं हूँ, शायद बी होना चाहिए इसका आंसर, कि पृथ्वी का वह भाग जो जैव विविधता को सहारा देता है क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अगला 70वां प्रश्न काफी बेसिक सा है कि लाल तिकोना या लाल त्रिभुज या फिर आप कह सकते हैं रेड ट्राइंगल इज ए सिंबल ऑफ, किसका चिन्ह होता है। तो ये स्वास्थ्य विभाग का सिंबल होता है क्या, रेड ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि जो हमारा मेडिकल सिस्टम होता है उसके ट्रायंगल, आप कहीं एम्बुलेंस में आपने देखा होगा रेड ट्रायंगल, और हॉस्पिटल्स के बाहर पे आपने देखा होगा रेड ट्रायंगल। ठीक है, अगला 71वां प्रश्न हिंदी आ गई आपकी कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों, अक्षर यहां के शुद्ध वर्तनी होगी। अगला क्या है, पार्थ एक पांडु पुत्र था, निम्न रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द अर्थ होने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आई थिंक इसका आंसर दोस्तों अर्जुन होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी अधिकतर पार्थ का प्रयोग अर्जुन के लिए करते थे। ठीक है, तो पार्थ नाम एक पांडु पुत्र, पार्थ नाम एक पांडु पुत्र था, यानी कि अर्जुन नाम एक पांडु पुत्र था। ठीक है, तो आई थिंक सी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अगला 73वां प्रश्न, वह जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा दोस्तों अजात शत्रु। ठीक है, अगला 74वां प्रश्न है कि अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही इसमें राइट है, क्योंकि क्या लिखा गया है, विनोबा जी कहता है, यहां पर होना चाहिए था विनोबा जी कहते हैं भूदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता है। ठीक है, तो विनोबा जी कहते हैं होना चाहिए था, इसलिए क्या होगा शुद्ध कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सही वाक्य का आपको चयन करना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कभी भी देखिए आप कहीं भी यूज करेंगे, हरे भरे लहराते खेत काफी सुंदर लगते हैं, अगर आप वाक्य बनाएंगे तो आप लिखेंगे क्या, हरे भरे लहराते खेत काफी सुंदर लगते हैं, अत्यंत मनमोहक लगते हैं, लेकिन कभी भी आप इस टाइप से नहीं कहेंगे कि लहराते खेत हरे भरे या फिर खेत हरे भरे लहराते, तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 76वां प्रश्न है कि कह कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर है दोस्तों यमक अलंकार। यमक अलंकार यानी कि देखिए रति रति रति, तीन बार रति शब्द का प्रयोग हो रहा है और सभी बार उसके जो अर्थ है वह अलग अलग है, इस कारण यहाँ पे क्या होगा यमक अलंकार होगा। 77वां प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह का। 78वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, तो जाति देखिए एक शुद्ध हमारी वर्तनी है, क्या जाति, और तो सब्जेक्ट ही नहीं हो रहे। अगला जो आपका 79वां है कि प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा था, प प वर्ग यानी कि दोस्तों ओष्ठ वर्ग, प फ ब भ म, तो क्या होता है अंतिम व्यंजन क्या होता है, म होता है। 80वां प्रश्न है कि अंगुली का तद्भव रूप कौन सा होता है, तो अंगुली का जो तद्भव रूप होता है वो दोस्तों उंगली। ठीक है, पहले उसे अंगुली कहा जाता था, अब उसे उंगली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 81वां प्रश्न, अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुरूप में अनु उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी। 82वां प्रश्न, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुराई में आई प्रत्यय होता है, क्या आई, ऑप्शन नंबर ए। 83वां प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है, देखिए यथा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी क्या होता है लिंग वचन कारक, कुछ भी चेंज करने पर ये चेंज नहीं होता है, यहाँ पर आप यथा यथी यथु वथु कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। 84वां प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टली बात है दोस्तों बेसिक सा है, दीर्घ संधि। ठीक है, अगला 85वां प्रश्न, कुशासन का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, तो कुश प्लस आसन, ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा, क्या कुश और प्लस आ बराबर दीर्घ संधि होगी इसमें भी, क्या कुशासन, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला 86वां प्रश्न कि अश्व का पर्यायवाची क्या क्या है, तो तुरंग घोटक बाजी हरी सभी क्या होते हैं अश्व के पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87वां प्रश्न कि सुलभ का विलोम क्या होता है, तो सुलभ का विलोम होगा क्या दुर्लभ, क्या दुर्लभ। 88वां प्रश्न कि प्रेरणा का अर्थ क्या होता है, तो प्रेरणा का अर्थ हो गया दोस्तों उकसाना। ठीक है, आप देखिए प्रेरणा अगर आपको कोई प्रेरणा देता है तो सपोज इट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो वही होता है हमारा क्या उकसाना। अगला 89वां प्रश्न है कि चोरी का माल मोरी में, मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो चोरी का माल मोरी में मुहावरे का अर्थ होता है क्या, मुफ्त की कमाई बर्बाद ही होती है, यानी कि अगर आप चोरी की का माल कमाएंगे तो आपके पास कभी नहीं टिकेगा, यानी कि वो हमेशा बर्बाद ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 90वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए, तो देशज शब्द यानी कि जो दूसरे देश मतलब ऑटोमेटिकली देश मतलब टाइम के हिसाब से चेंज हो गए हैं। ठीक है, ये होते हैं क्या खटिया, खटिया क्या है एक प्रकार का देशज शब्द है। ठीक है, तो ये हमने हिंदी के या फिर मैथ्स के या जीके के उत्तराखंड के सभी 90 क्वेश्चन अब डिस्कस कर लिए हैं। आगे है हमारी क्या इंग्लिश, तो इंग्लिश थोड़ा सा मेरी दोस्तों वीक है, तो आप लोग यहाँ पर कुछ कुछ टिक किए गए हैं इस पर से देख सकते हैं। ठीक है, वरना जब आंसर की आएगी तो आप लोगों को इसके आंसर ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जितने भी आपके मित्रों का एग्जाम था अगर तो उन्हें आंसर की आप प्रोविजनली तौर पे भेज सकते हैं, और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी तो साइट के माध्यम से मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।